बिहार पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश किया है। कानवन थाना के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के निर्देशन व अनुविभागीय अधिकारी पुलिस जयंत सिंह राठौर के मार्गदर्शन में टीआई केएस गहलोत ने टीम गठित कर इस ब्लाइंड मर्डर के बारे में पूछताछ शुरू की। इस दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि मृतक करण सिंह की पत्नी के गांव के ही कमल परमार नाम के व्यक्ति से अवैध संबंध है तथा इस बात को लेकर मृतक व उसकी पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता था। हत्या के मामले में कानवन पुलिस के मृतक की पत्नी तथा उसके प्रेमी समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हत्याकांड का पर्दाफाश करने में टीआई गहलोत के साथ ही सब इंस्पेक्टर एसएस वास्कले, प्रधान आरक्षक राजकुमार मौर्य व रविंदर जाट, सिपाही विपिन कटारे, राजमल मंडलोई, कैलाश मंडलोई आदि की खास भूमिका रही। बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये एक तारीख की घटना है। तारीख को सूचना आई थी कि एक करण सिंह का धन्नालाल बागरी निवासी नागदा की डेड बॉडी पड़ी हुई है और सूचना पे हम लोग मौके पे पहुँचे और जाके देखा तो वो प्रथम दृष्टया मामला हत्या का होने से हत्या का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था और क्योंकि उसी का खुलासा हुआ है, उसमें मृतक की पत्नी है पेपाबाई, वही अपने साथी अपने प्रेमी के साथ में मिल के आपराधिक षड्यंत्र रच कर उसके पति की हत्या की गई है, जिसमें मुख्य अभियुक्त है उसका प्रेमी है, उसका नाम है कमल सिंह बागरी, चौकीदार है जो गांव का, और उसके साथ में उसके दोनों अन्य साथी हैं, पप्पू बागरी है और एक कान्हा राजपूत है। सर, हत्या के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या था? एक्चुअली इसमें ये जो अवैध संबंध है उस मृतक की महिला के साथ में मुख्य आरोपी कमल के जो संबंध है वो करीब 4-5 साल से संबंध चल रहे हैं और इसी संबंध से उसको आपत्ति थी मृतक को, मृतक लगातार उसको मना करता था इन चीज़ों के लिए, तो इसी को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसने षड्यंत्र रचा अपने प्रेमी के साथ मिलकर और उसकी हत्या का अंजाम दिया। बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये एक तारीख की घटना है। तारीख को सूचना आई थी कि एक करण सिंह का धन्नालाल बागरी निवासी नागदा की डेड बॉडी पड़ी हुई है और सूचना पे हम लोग मौके पे पहुँचे और जाके देखा तो वो प्रथम दृष्टया मामला हत्या का होने से हत्या का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था और क्योंकि उसी का खुलासा हुआ है, उसमें मृतक की पत्नी है पेपाबाई, वही अपने साथी अपने प्रेमी के साथ में मिल के आपराधिक षड्यंत्र रच कर उसके पति की हत्या की गई है, जिसमें मुख्य अभियुक्त है उसका प्रेमी है, उसका नाम है कमल सिंह बागरी, चौकीदार है जो गांव का, और उसके साथ में उसके दोनों अन्य साथी हैं, पप्पू बागरी है और एक कान्हा राजपूत है। सर, हत्या के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या था? एक्चुअली इसमें ये जो अवैध संबंध है उस मृतक की महिला के साथ में मुख्य आरोपी कमल के जो संबंध है वो करीब 4-5 साल से संबंध चल रहे हैं और इसी संबंध से उसको आपत्ति थी मृतक को, मृतक लगातार उसको मना करता था इन चीज़ों के लिए, तो इसी को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसने षड्यंत्र रचा अपने प्रेमी के साथ मिलकर और उसकी हत्या का अंजाम दिया। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही latest खबरें पाने के लिए bell icon को click कर हमारे channel को like, share and subscribe करें। धन्यवाद।